अब हम रेडिकल इक्वेशंस की दूसरी टाइप को स्टडी करते हैं। दूसरी टाइप की हमारे पास जो इक्वेशंस हैं उनकी जनरल फॉर्म है x प्लस ए स्क्वायर रूट प्लस x प्लस बी स्क्वायर रूट इज इक्वल टू x प्लस सी स्क्वायर रूट। इस टाइप की इक्वेशन में हमारे पास तीन लीनियर फैक्टर्स होते हैं, तीनों पे स्क्वायर रूट होता है और वो आपस में प्लस या सब्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं। इस टाइप की इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए पहले हम इनका एक दफ़ा स्क्वायर लेते हैं और फिर दूसरी दफ़ा स्क्वायर लेते हैं, तब जाके हमारे पास एक रेडिकल फ्री इक्वेशन बनती है और उसको सॉल्व करके हम अपने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। एक सिंपल एग्जांपल से हम इस टाइप की इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखते हैं। x प्लस 8 स्क्वायर रूट प्लस x प्लस 3 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 12x प्लस 3 स्क्वायर रूट। तीन लीनियर फैक्टर्स, तीनों पे स्क्वायर रूट। इस टाइप की इक्वेशंस को जब भी सॉल्व करना होगा पहला स्टेप ये करेंगे कि स्क्वायर करेंगे दोनों साइड्स का, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड का हम स्क्वायर लेंगे। इस साइड का स्क्वायर लेंगे x प्लस 8 स्क्वायर रूट प्लस x प्लस 3 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12x प्लस 3 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर। जब इस स्क्वायर को ओपन करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा x प्लस 8 प्लस x प्लस 3 प्लस 2 इंटू x प्लस 8 एंड x प्लस 3 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 12x प्लस 3। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 3 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 10x प्लस 2 या x प्लस 8 इंटू x प्लस 3 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 5x प्लस 1। अब हम इसका दोबारा स्क्वायर लेंगे। जब दोबारा स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा x प्लस 8 इंटू x प्लस 3 इज इक्वल टू, इधर स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 25x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 10x। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 24 इज इक्वल टू 25x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 1। सबको एक साइड पे ले जाएंगे। जब सबको एक साइड पे ले जाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 24x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 23 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय फैक्टराइजेशन हमने सॉल्व करना है। अब मैं यहाँ पे सिंपली फैक्टर्स लिखूंगा जो बनेंगे, आप इसको खुद सॉल्व करेंगे। इसके फैक्टर्स बनेंगे 24x प्लस 23 एंड x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x की हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, x इज इक्वल टू माइनस 23 ओवर 24 एंड x इज इक्वल टू 1। जब आप इसको चेक करेंगे ओरिजिनल इक्वेशन में इनको पुट करके, तो आप देखेंगे कि ये जो हमारे पास माइनस 23 ओवर 24 है ये हमारी ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। सो ये हमारी इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट नहीं है, सॉल्यूशन सेट इज ओनली 1।
हमने दूसरी टाइप ऑफ रेडिकल इक्वेशंस को इसमें सीखा। दूसरी टाइप ऑफ रेडिकल इक्वेशंस वो होती हैं जिनमें हमारे पास तीन लीनियर फैक्टर्स होते हैं, तीनों पे स्क्वायर रूट होता है, आपस में प्लस या एड ये सब्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं। एक सिंपल एग्जांपल ली, इसको सॉल्व करने के लिए पहला स्टेप ये होता है कि दोनों साइड्स पे हम स्क्वायर लेते हैं। दोनों साइड्स पे स्क्वायर लेने के बाद हम लाइक टर्म्स जो हैं उनको एक साइड पे ले जाते हैं और वो वाली टर्म्स जिन पे स्क्वायर रूट होता है उनको दूसरी साइड पे ले जाते हैं और फिर दोबारा इनका हम स्क्वायर लेते हैं। जब दोबारा स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास एक रेडिकल फ्री इक्वेशन जो है वो मिल जाती है, जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके हम अपने वेरिएबल की जो वैल्यू है वो फाइंड कर लेते हैं और बाद में फिर हम चेक करते हैं जो हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है वो इक्वेशन का सलूशन होता है, जो सेटिस्फाई नहीं करता वो उसका सलूशन नहीं होता। अब हम तीसरी टाइप की रेडिकल इक्वेशंस को देखते हैं। तीसरी टाइप की जो रेडिकल इक्वेशंस हैं उनकी हमारे पास जनरल फॉर्म है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी स्क्वायर रूट प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन स्क्वायर रूट। तीसरी टाइप की जो हमारे पास रेडिकल इक्वेशंस हैं उनमें हमारे पास तीन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस होते हैं और इन तीन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस में एक जो है वो कॉमन फैक्टर होता है। एक सिंपल एग्जांपल से हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखते हैं। एग्जांपल हमारे पास दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस 21 स्क्वायर रूट प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 39 स्क्वायर रूट। इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए पहला स्टेप ये होता है कि ये हमारे पास जितने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस हैं इनकी हम फैक्टराइजेशन करते हैं, इनके फैक्टर्स बनाते हैं। जब फैक्टर्स बनाते हैं तो हम देखते हैं कि इन तीनों के फैक्टर्स में एक कॉमन फैक्टर लाजमी होता है। जब मैं इसके फैक्टर्स बनाऊंगा एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस 21 तो इसके हमारे पास फैक्टर्स होंगे एक्स प्लस 7 एंड एक्स माइनस 3। जब इसके फैक्टर्स बनाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 तो इसके फैक्टर्स बनेंगे एक्स प्लस 2 एंड एक्स माइनस 3। जब इसके फैक्टर्स बनाएंगे 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 39 तो इसके जो फैक्टर्स हैं वो बनेंगे 6x प्लस 13 एंड x माइनस 3। इन तीनों के फैक्टर्स में x माइनस 3 आ रहा है और जैसा कि मैंने पहले बताया कि इस टाइप की इक्वेशंस के जब हम फैक्टर्स बनाएंगे तो उनमें एक जो है वो कॉमन फैक्टर होगा। अब जहां जहां पे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसकी जगह पे हम इसके फैक्टर्स जो हैं उसको रिप्लेस कर देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 3 स्क्वायर रूट प्लस एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 6x प्लस 13 इंटू एक्स माइनस 3 स्क्वायर रूट। नेक्स्ट हम ये करते हैं कि सबको एक साइड पे ले आते हैं,
सबको एक साइड पे लेके आएंगे और साथ ही हम इसमें से x माइनस थ्री जो है वो कॉमन ले लेंगे। जब x माइनस थ्री कॉमन ले लेंगे, x माइनस थ्री स्क्वेयर रूट कॉमन लेंगे, तो यहां पे बच जाएगा x प्लस सेवन स्क्वेयर रूट प्लस x प्लस टू स्क्वेयर रूट, और यह चीज इधर आके माइनस होगी तो माइनस सिक्स एक्स प्लस थर्टीन स्क्वेयर रूट इज इक्वल टू जीरो। अब इधर x माइनस थ्री स्क्वेयर रूट इज इक्वल टू जीरो और x प्लस सेवन स्क्वेयर रूट प्लस x प्लस टू स्क्वेयर रूट माइनस सिक्स एक्स प्लस थर्टीन स्क्वेयर रूट इज इक्वल टू जीरो। इफ x माइनस थ्री स्क्वेयर रूट इज इक्वल टू जीरो देन x इज इक्वल टू थ्री। अब हमने दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करना है, दैट इज x प्लस सेवन स्क्वेयर रूट प्लस x प्लस टू स्क्वेयर रूट माइनस सिक्स एक्स प्लस थर्टीन स्क्वेयर रूट इज इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास बिल्कुल टाइप टू की इक्वेशन बन गई है, जिसमें हमारे पास तीन लीनियर फैक्टर्स हैं और तीनों पे स्क्वेयर रूट है, और इनको सॉल्व करने का जो मेथड है वो अभी मैंने आपको बताया है। बहरहाल इसको हम सॉल्व कर भी लेते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा x प्लस सेवन स्क्वेयर रूट प्लस x प्लस टू स्क्वेयर रूट इज इक्वल टू सिक्स एक्स प्लस थर्टीन स्क्वेयर रूट। इनको सॉल्व करने के लिए हम दोनों साइड्स पे स्क्वेयर लेंगे। जब स्क्वेयर लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा x प्लस सेवन प्लस एक्स प्लस टू प्लस टू इंटू एक्स प्लस सेवन स्क्वेयर रूट एंड एक्स प्लस टू स्क्वेयर रूट इज इक्वल टू सिक्स एक्स प्लस थर्टीन। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस नाइन एक्स प्लस फोर्टीन स्क्वेयर रूट इज इक्वल टू टू एक्स प्लस टू। दैट इज सिंपल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन, वो आप कर लेंगे। इसका हम अगेन स्क्वेयर लेंगे। जब अगेन स्क्वेयर लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस नाइन एक्स प्लस फोर्टीन इज इक्वल टू फोर एक्स स्क्वेयर प्लस एट एक्स प्लस फोर। सिंपली लाइक टर्म को एक साइड पे ले आएंगे, सम और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा थ्री एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस टेन इज इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये इसके फैक्टर्स आएंगे थ्री एक्स प्लस फाइव एंड एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। अब या तो x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो या 3x प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो। तो x की हमारे पास यहां से दो वैल्यूज आएंगी, x इज इक्वल टू माइनस फाइव बाय थ्री एंड x इज इक्वल टू टू। x की टोटली हमारे पास तीन वैल्यूज आ गई, एक x इज इक्वल टू थ्री, एक x इज इक्वल टू माइनस फाइव बाय थ्री और एक x इज इक्वल टू टू। फिर हम इन तीनों को बारी बारी चेक करेंगे कि इनमें से तीनों हमारी ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करते हैं या नहीं। अगर सेटिस्फाई करते होंगे तो वो हमारे इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे, और अगर सेटिस्फाई नहीं करते होंगे तो वो हमारे पास एक्सट्रेनियस रूट्स होंगे। जब हम इसको चेक करेंगे तो देखेंगे, आप देखेंगे कि ये जो माइनस फाइव बाय थ्री है ये सेटिस्फाई नहीं करता, ये एक्सट्रेनियस रूट है। सो द सॉल्यूशन सेट इज टू एंड थ्री।